हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस तड़कता भड़कता सेक्शन सेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी। आज हम सब ग्रुप्स करेंगे। आइए, यस, ये कमाल का टॉपिक है और इसके बाद हम काफ़ी कुछ कर पाने में समर्थ होंगे। अब तक टिल नाउ हम ग्रुप्स पढ़ चुके हैं और अबेलियन ग्रुप भी आपको बताया गया है और ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कैंसिलेशन लॉ, आइडेंटिटीज यूनिक, इनवर्स इज यूनिक। अबेलियन में 5-6 रिजल्ट्स आपको बताए गए हैं और जो लास्ट क्लासेस आपने अगर अटेंड किए हैं तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट के भी बहुत अच्छे क्वेश्चन किए हैं हमने, कॉन्सेप्ट किए हैं, सब कुछ किए हैं। अब इसको करने के बाद वही सारी चीज़ें और अच्छे से आपके सामने आएंगी। नाउ सब ग्रुप होता क्या है, देखो भाई, इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग। लेट जी बी एनी ग्रुप, एंड एच कंटेन इन जी बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट। देन हाँ जी, इसके पहले कुछ लिखा जाए स्टूडेंट्स, सब ग्रुप को मारिए गोली। ये बताइए, व्हाट डू मीन बाय सबसेट? सेट विद इन अ सेट, ओके। व्हाट डू मीन बाय सब सीक्वेंस? हाँ जी माय डियर, सीक्वेंस विद इन अ सीक्वेंस, सीक्वेंस के अंदर बैठा हुआ एक और सीक्वेंस। व्हाट डू मीन बाय सब मैट्रिक्स? मैट्रिक्स के अंदर बैठा हुआ मैट्रिक्स। अच्छा, तो उसी तरीके से व्हाट डू मीन बाय सब ग्रुप? अरे ग्रुप के अंदर बैठा हुआ एक और ग्रुप भाई, और क्या होगा। अच्छा ये तो लिख दिया, चलिए पिक्चर भी आप सबके सामने। लेट जी बी एनी ग्रुप एंड एच कंटेन इन जी बी एन नॉन एम्प्टी सबसेट, देन एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। फिर ओनली जरा देखिए क्या लिख रहे हैं। अब आपका लिखने का समय खत्म, अब देखने का समय शुरू। देखिए ये तो बहुत अच्छी बात है जो बताया गया था, एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। फिर ओनली तो एच इज इट सेल्फ अ ग्रुप। अब इसमें बहुत सारी बातें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। जैसे देखिए जी, एच इज इट सेल्फ अ ग्रुप बोलना, भाई इट सेल्फ अ ग्रुप का मतलब तो चार एग्जाम्स, क्लोजर, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी, इनवर्स। ओहो, सबके सब एच में वैलिड होंगी। हाँ जी, दैट इज क्लोजर, देखते जाओ सब, बहुत सारी चीज़ें, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी वाला एग्जाम और इनवर्स वाला एग्जाम, ऑल वैलिड इन जी एच, जी में, एच में, दोनों। यहाँ एच की बात करो यार, ग्रुप तो ग्रुप है जी, जब सब कुछ एच में वैलिड है, आप ही से बात हो रही है। व्हेन एवरीथिंग इज वैलिड इन एच, सो अब एच को जी की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में इतना सक्षम है, इतना पावरफुल है कि जी की तरफ तो आपको देखना भी नहीं है। बात समझ में आ गई सब बच्चों को? हाँ जी, ये खुद एक ग्रुप का काम कर रहा है, सब कुछ इसमें वैलिड है। अच्छा जी, नंबर टू ध्यान से सुनिएगा सर, कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दीजिए। दुनिया भर के एग्जाम्पल आपको दिए जा सकते हैं, तो सबसे पहले ये वाला एग्जाम्पल देखो, वहीं से शुरू करिए अपने नंबर सिस्टम से। सभी बच्चों का ध्यान सामने होना चाहिए, पहली क्लास से चल रही है ये चीज, मना तो करना मत। Z प्लस ग्रुप होता है, Q प्लस भी ग्रुप होता है, R प्लस भी ग्रुप होता है, C प्लस भी। बताइए जरा, यहाँ तो पूरा पॉकेट भरा हुआ है, ऐसा लग रहा था पॉकेट खाली है। हाँ जी, Z प्लस Q प्लस का क्या हुआ सब ग्रुप, Z प्लस R प्लस का सब ग्रुप, Z प्लस C, यू नो सो मेनी पेयर्स यू कैन फॉर्म, लाइकवाइज Q प्लस इज अ सब ग्रुप ऑफ R प्लस, सो मैनी एग्जाम्पल्स, वॉट मोर यू वॉन्ट। भाई सबको क्लियर हो गया, ये प्रैक्टिकली है हमारे पास, ग्रुप के अंदर बैठा हुआ एक और ग्रुप हमारे पास है। अब अगला 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 जो आपसे बात करनी है वो ये है, देखिए जी जरा इधर ध्यान लगाइए, जेड क्यू का सब ग्रुप है, जेड आर का सब ग्रुप है, अगर एच जी का सब ग्रुप है, मान लो थोड़ी देर के लिए कि जी के अंदर बैठा हुआ है प्लस ऑपरेशन, और यहाँ एच के साथ बात कर रहे हैं आप मल्टीप्लीकेशन में, तो अब एच जी का सब ग्रुप नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं सर? मैं ये कह रहा हूँ कि सब ग्रुप और ग्रुप का ऑपरेशन शुड बी सेम, है ना। तो एच इज इटसेल्फ अ ग्रुप लिखने से नहीं होगा, विद रिस्पेक्ट टू ये लिखना पड़ेगा, द सेम ऑपरेशन। बेटा जी बात समझ में आ गई? यस। एज दैट ऑफ जी, नंबर टू, नंबर थ्री, आगे देखिए, आगे सुनिए, देखते जाइए। यस,
जब हम स्कूल में थे, अब नहीं है फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, अब तो स्कूल में नहीं है आप, जब आप स्कूल में थे तब आप ऐसे लिखते थे। इसको कैसे पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे इसको, एज लेसन भी, एज लेसन भी। अब सेट्स के बीच में अगर लेस लिखा जा रहा है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि एज लेसन बी का मतलब ए का वैल्यू बी के वैल्यू से लेस है। अब एच इज लेसन जी, हाँ ये आपको बचाने का तरीका, ये आप पूरा आज के बाद ये पूरा नहीं लिखा जाएगा, ये जो लिखा ना एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, इसको इन शॉर्ट ऐसे लिखा जाता है। तो लिखेंगे लेस और बोलेंगे सब ग्रुप। नहीं सर ये कौन सी नोटेशन, यही नोटेशन है भैया 20 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ, पहले से यूज हो रही है, आप भी इसको पकड़ लीजिए। लिखेंगे लेस और बोलेंगे सब ग्रुप, जरा मेरे साथ साथ बोलो, नहीं बोल सकते तो देखो, यस एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, ए इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। हाँ जी सामने देखिए, ए इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ बी, बात समझ में आई माय डियर। लिखेंगे लेस और यस बोलेंगे सब ग्रुप, लिखते हुए सब एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, ध्यान रखिएगा इस चीज का। नेक्स्ट थिंग, यस तो अब के बाद आपको ये पूरी कथा कहानी नहीं लिखनी, हम सिर्फ इसी में बात करेंगे। हाँ जी जरा उस पर बात करने से यहाँ भी बात हो गई है, बात से तो बात निकलेगी। देयर फोर यस, देयर फोर इधर कैन आई से द फॉलोइंग, जेड प्लस इज अ सब ग्रुप ऑफ क्यू प्लस, हाँ में हाँ मिलाते जाइए, यस जेड प्लस इज अ सब ग्रुप ऑफ आर प्लस, जेड प्लस इज अ सब ग्रुप ऑफ सी प्लस, ठीक है हाँ कर दिया आपने। अब जल्दी से ये बताओ क्यू प्लस आर प्लस का है। कुछ क्लासेस पहले की बात है, क्या मैंने आपको ये नोटेशंस बताई हैं, आर स्टार क्या होता है, क्यू स्टार क्या होता है। चलिए बहुत यस बढ़िया, सर बहुत बढ़िया, अब ज़रा ये बताना मुझे। यस हाँ जी, क्यू प्लस आर स्टार डॉट का सब ग्रुप हो सकता है, कहाँ से होगा, ऑपरेशन ही फर्क है। देखिए ये हाँ आप समझ रहे हैं, वो भले छोटा सेट हो, एक तो कंटेंट भी नहीं है, क्योंकि आर स्टार का मतलब जीरो नहीं कंटेंट करेगा, तो इसमें तो जीरो आएगा लेकिन। और अगर ऑपरेशन वाइज बात करेंगे तो भी प्लीज ध्यान रखिएगा, ये चीज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है सब ग्रुप। लिखो राइट एवरीथिंग प्रॉपरली, डायग्राम बनाना चाहते हैं डायग्राम बनाइए, जो बनाना चाहते हैं वो बनाइए, जब कंप्लीट हो जाएगा तो बता दीजिएगा। यस जो बच्चे कॉपी कर चुके हैं या कॉपी कर रहे हैं, भाई मैं आप सबको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, वैसे तो टाइम दे चुके हैं, स्टिल फटाफट से याद कर लीजिए। अभी प्रैक्टिकली आपको दिखाया जाएगा, दो चार क्वेश्चंस के माध्यम से आपको दिखाया जाएगा। हो गया नेक्स्ट, यस व्हाट डू मीन बाय सब ग्रुप, जस्ट थिंक ग्रुप है, उसके अंदर एक सबसेट बैठा हुआ है और वो सबसेट खुद ग्रुप है, तो वो बहुत पावरफुल हो गया, अब उसको जी की जरूरत नहीं है। तो उसी सबसेट के अंदर क्लोजर, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी इनवर्स, ये सारी चीज़ें वैलिड होनी चाहिए। ज़रा देखिए एवरीवन, बच्चों वाले एग्जांपल्स आप सबके साथ, ऑब्जर्वेशन नंबर वन, हाँ था ये कॉपी नहीं कर रही है, देखिए
जी सारा इंटीजर्स का सेट ले लिया प्लस में, फिर वो एच को बोल दिया इवन इंटीजर्स का कलेक्शन है, के ऑर्डर इंटीजर्स का कलेक्शन है, एच सब ग्रुप होगा, के सब ग्रुप होगा या नहीं, मेरे साथ आओ मैं प्रॉपरली सब, मैं सब कुछ लिखवा दूंगा आपको। जस्ट सी, पहले ऑब्जर्व कर लीजिए, इट्स जस्ट लाइक कोई नया टॉपिक शुरू करते हैं, जैसे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट शुरू किया तो आपको मतलब प्रूफ्स वगैरह नहीं दिए हैं, पहले पहले आपको प्रैक्टिकली दिखाया गया कि भाई देखो इस ग्रुप में ये ऑर्डर है, इस ग्रुप में ये ऑर्डर, मैट्रिसेस में ऐसे निकाला जाता है, तो आप फिर थ्योरेटिकल पार्ट भी आराम से कर लेंगे। सेम ये एक बार देखिए पहले कि इवन में होगा या ऑड में होगा, क्या होगा, पहले बात करते हैं इसके लिए, के लिए बात करते हैं। जी साथ देंगे सभी बच्चे, ये जेड प्लस है, जी है, और इसी के अंदर बैठा हुआ है के, सेट ऑफ ऑल ऑड ऑड इंटीजर, सारे के सारे ऑड, जरा साथ दीजिए। हाँ जी, क्या ये एक ऑड नंबर है? अरे बोलो भाई, क्या ये भी ऑड नंबर है? इनका सम, इनका सम बता दीजिए, सम इवन। अरे ये तो के में है ही नहीं, धन्यवाद। सो दोनों मेंबर्स के में हैं लेकिन उनका सम के में नहीं है, तो क्या के सब ग्रुप बन, अरे तो पहला एग्जाम ही नहीं फॉलो कर रहा, क्लोजर क्लोजर फेल भाई, सबको क्लियर हो, फिर तो मैच के पीछे चले गए, रुक जाओ भाई। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? हेलो, ये के नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, जेड प्लस 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 के केस में आइडेंटिटी क्या होता है भाई? जीरो, तो वो भी इसमें नहीं है। एक बार क्वेश्चन आ गया था एग्जाम में, गिव टू रीजंस कि जो कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स है वो सब ग्रुप क्यों नहीं है, इसके लिए दो कारण बताइए। तो एक कारण तो क्लोजर फेल हो गया, दूसरा आपका आइडेंटिटी नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लिख लेंगे, ये अच्छे से लिख लीजिएगा, मैं बता देता हूँ आपको क्लियरली। वन एंड थ्री, या ओके वन एंड थ्री बिलोंग्स टू के, बट वन प्लस थ्री इज फोर, इज नॉट इन के, सो देयरफॉर के कैन नॉट बी अ सब ग्रुप ऑफ जेड प्लस, नहीं हो सकता। वो जीरो वाले भी लिख लेना, लिखोगे तुम कुछ नहीं पता है मुझे, खाली हाँ हाँ कर रहे, ठहर जाओ अभी। दूसरा वाला देखिए, एच वाला, एच होगा या नहीं? के फिनिश हो गया, के कम्प्लीट हो गया। हाँ जी, एच के लिए देखिए बात करें, दिस इज जी इज इक्वल टू जेड प्लस एंड दिस इज योर एच, साथ आइएगा, हम बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, आइए साथ दीजिए। यस, क्लोजर, एच के अंदर सिर्फ इवन नंबर्स आएंगे, ये इवन है, ये इवन है, इनको ऐड करेंगे तो इवन ही होगा या ऑड बन जाएगा? इवन होगा। सो ये टू, हाँ जी, ये टू के वन हो गया, ये टू के टू हो गया, जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा, यू नो क्या बनेगा, इवन का सम इवन ही है। एसोसिएटिव लॉ पे तो बात ही नहीं करते आप लोग, बड़े आदमी है। हाँ जी, आइडेंटिटी, जीरो कैन बी रिटन एज, लिख सकते हैं, जीरो तो है ही इवन, इज इट अ मल्टीपल ऑफ टू? यस इट इज, ठीक है, जीरो आ गया। इनवर्स, हाँ जी, टू का एडिटिव इनवर्स माइनस टू, फोर का माइनस फोर, सिक्स का, अच्छा अगर ये इवन है तो क्या इसका एडिटिव इनवर्स भी, ऑब्वियसली दिस इज इवन, एडिटिव इनवर्स, समझ में आ गया भाई, ये हो जाएगा, लेकिन अभी आपको प्रेजेंट करना नहीं आता है। क्या बोले सर आप? मैं बोल रहा हूँ आपको प्रेजेंट नहीं करना आता है, अभी हमने सिर्फ ये दिखाया आपको कि सब ग्रुप को आप एग्जामिन कैसे करोगे, ज़्यादा चैंपियन बनने की जरूरत नहीं, इसको ऐड करो ऑल ऑफ यू, फटाफट करिए। एच के लिए विल बी शोइंग, अभी नहीं, अभी नहीं, नॉट नाउ। अब कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिखे जा रहे हैं, आपको ये पता लग गया कि सब ग्रुप कैसे एग्जामिन करना है, ऐसे मेंटली भी एग्जामिन कर सकते हैं। यस, आई एम राइटिंग द क्वेश्चंस, आप लोग भी लिख लीजिए। प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम अभी बता दिया गया है, अब सेकेंड थर्ड फोर्थ पे आते हैं।
यस 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, पहला करिए। चलो देखो बेटा, आंसर तो दे नहीं दे नहीं रहे आप लोग, बस कॉपी करने में व्यस्त हैं। आंसर देना चाहिए तुम लोगों को, सामने देखेंगे सभी बच्चे। दिस इज जी एंड दिस इज एच। हाँ जी महानुभावों आ जाओ इधर सबके सब। इसमें कैसे मेंबर लेना है? ऐसे मेंबर जिसका वैल्यू वन या वन से ज़्यादा है। यस टेल मी इज टू वन सच वैल्यू? क्या मैं जी इज टू अ मेंबर ऑफ एच? प्लीज आंसर। वॉट इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ टू? नहीं बताओगे? लो जी हो गया कल्याण, ये तो एच में है ही। क्यों नहीं है सर? क्यों नहीं है सर? क्यों नहीं है सर? क्यों नहीं है सर? दिस इज नॉट अ सब ग्रुप। क्लियर हो गया आपको? ये डायग्राम बनाने से थोड़ा क्लैरिटी आ जाती है क्लियरली। टू बिलोंग्स टू एच बट द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ टू is not a member of H. So therefore, subgroup होगा? No. क्या यही काम आप 3, 4, 5 के लिए भी कर सकते? कर सकते, करिए। पहला क्वेश्चन कंप्लीट करके अगला करिए। 30-30 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है अभी, अगर नहीं हो रहा है तो जब रिकॉर्डिंग देखेंगे तब ज़रूर कर लीजिएगा बिना देखे। कोशिश करना है बिना देखे करने की। अगला क्वेश्चन करना है। ये लिख लिया था जी, ऑनलाइन चैंपियंस। यस डन। यस सर। देखो इसको, देखो कोई बात नहीं, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करा दूंगा मैं आपको। मैं आपसे यही आशा है और उम्मीद है कि आप भी ढंग से कर लें। हाँ जी, के में होने के लिए क्या होना चाहिए? या तो मेंबर वन हो जाए या फिर इरेशनल हो जाए। यस इज इट इरेशनल ऑल ऑफ यू? इज इट इरेशनल? इज इट इरेशनल? यस। तो ये भी यही ले लीजिए, हो गया क्वेश्चन खत्म। Clearly, yeah, choose कर लीजिए। Choose A to be B to be root 2, so that both A and B are members of K. But what is A dot B? Is to ना तो ये वन के बराबर है और ना ही रेशनल है। हाँ जी बेटा जी, बात समझ में आ गई? सब ग्रुप होगा? Yes. सब ग्रुप होगा? ठहर जाओ तुम, कहाँ मिलोगे? नहीं होगा सर। जल्दी कॉपी करो। Yes. Don't do it, all of you.
वेटिंग अब. हाँ मैं भी आपके साथ हूँ, मैं भी यही सोचता हूँ. ये स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आपको क्वेश्चन समझ लेना चाहिए कि क्या पूछा जा रहा है. एकदम से समंदर में कूदने से कुछ नहीं होगा. क्या पूछ रहे हैं ना, ऐसे नहीं. पहले मुझे ये बताओ एच के अंदर कैसा मेंबर लेना है. जस्ट वेट फॉर अस, कुछ निकालिए भैया अंदर से. हाँ भाई, इस एच के अंदर कैसा मेंबर लेना है, वन या वन से बड़ा. इस के अंदर कैसा मेंबर लेना है, वन या फिर इरेशनल. हेलो, आर यू देयर? यस. तो इस एच में क्या लेना है पहले ये तो बता दीजिए. ऐसा मेंबर लेना है जिसका क्या फाइनाइट है, ऐसा एलिमेंट लेना है जिसका क्या फाइनाइट है, जिसका ऑर्डर फाइनाइट. पहले ये क्लियर करिए. आपको ये चीज चाहिए कि भाई अगर आपने यहाँ ए लिख दिया, ए बिलोंग्स टू एच मींस ऑर्डर ऑफ ए शुड बी फाइनाइट. अगर आपने यहाँ बी लिख दिया, दैट मींस ऑर्डर ऑफ बी शुड बी फाइनाइट. अगर आपने एक्स लिख दिया, ऑर्डर ऑफ, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ. यहाँ ऐसा मैट्रिक्स लेना है जिसका ऑर्डर फाइनाइट है. टेल मी, क्या ये इसमें लाइक अब किसी ने गलती की ना, सीधा पता नहीं क्या डांट वाट खाओगे. ये एलिमेंट याद है आप लोगों को, याद है ना इसका. तो ये नहीं आएगा इसमें, ये इसमें नहीं आ सकता. ठीक है, बस बात आप समझ गए. और मैं मैट्रिक्स में आ ही गए हैं तो शायद मैं आपको वो क्वेश्चन भी याद दिला देता हूँ. ऑर्डर ऑफ ए 4 था, ऑर्डर ऑफ बी 3 था, लेकिन जब आपने ए बी का ऑर्डर निकाला तो इन्फिनिट था. कुछ याद आ रहा है, ऐसा कुछ पढ़ा है? Yes. और मैंने बोला भी था भाई बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप लोग बड़े लोग हैं, आप कहाँ सुनेंगे, आप कहाँ सुनेंगे. ऑर्डर ऑफ ए इज 4, ऑर्डर ऑफ बी इज 3, एंड जब ए बी करेंगे, किसी को याद है मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है? अब तो याद नहीं भी होगा तो भी याद आएगा. थैंक यू वेरी मच. रेस्ट यू नो व्हाट टू डू. वो क्वेश्चन देखिए कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं. आ जाओ, चूज कैपिटल ए टू बी 0 -1 1 0 एंड कैपिटल बी टू बी सो दैट. ऑर्डर ऑफ ए आपका 4 है, ऑर्डर ऑफ बी आपका 3 है. दैट इज दोनों का ऑर्डर फाइनाइट. दैट इज बोथ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी किसके मेंबर्स हो गए. एच थोड़ा बड़ा बनाइएगा, पता लगा ए ऐसे, इधर देखो ए ऐसे लिख दिया है और एच ऐसे लिख दिया, पता ही नहीं लग रहा कौन मेंबर है और कौन सुपर सेट है. थोड़ा बड़ा बनाना. बट हाँ जी, ए और बी एच के मेंबर्स हैं. व्हाट इज ए बी, व्हाट इज ए बी 1 1 0 1 has कितना ऑर्डर, infinite. That is AB cannot be a member of H. That is H cannot be a subgroup of B. Please follow me. डन. अब अगर ये ज़्यादा मार्क्स के लिए आया, ज़्यादा मार्क्स के लिए आया, तो आप ये 4 और 3 और ये इनफाइनाइट वाला मतलब वो पूरा ओपन करके दिखाएंगे कि इसका ऑर्डर 4 क्यों है. उसका वैसे तो याद ही है आप लोगों को. स्टिल स्टिल नेक्स्ट. हाँ जी, अभी आपने थोड़ा बहुत समझ लिया है कि कैसे किसी गिवन सेट का सब ग्रुप होना एग्जामिन किया जाता है. वो टेस्ट में पास भी हो सकता है और फेल भी हो सकता है. अब हम आगे बढ़ रहे हैं. यस, कायदे से बताइए. हमने तो सारा डिसप्रूव ही किया, प्रूव तो कुछ किया ही नहीं. हाँ जी, एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी प्रूव करने के लिए आपको कितनी एग्जाम्स की जरूरत है. क्लोजर, एसोसिएटिव आइडेंटिटी एंड इनवर्स. भाई मैं आज तो नहीं कराऊंगा, बट आगे की क्लासेस के लिए और आने वाले भविष्य के लिए जो अभी ग्रेजुएशन में आने वाला है आपका, भाई ये चारों चीज़ें ना करके कुछ रिजल्ट्स ऐसे हैं कि कम में ही काम बच्चे को करना बता रहे हैं. वो क्या है और रिजल्ट्स वो सुनिए. ये था डेफिनेशन, यू शुड रिस्पेक्ट द डेफिनेशन, वो तो रहेगा हमेशा. देर आर सर्टन टूल्स
थ्रू विच आपका प्रोसेस थोड़ा शॉर्ट हो जाता है. तो यहाँ लिखिए जरा वन स्टेप टेस्ट एंड टू स्टेप टेस्ट, फटाफट से कॉपी करिए. कॉपी करिए, कॉपी. जी ग्रुप है, बार बार मेंशन नहीं किया जाएगा, बार बार मेंशन नहीं किया जाएगा. को भी सोने की ज़रूरत नहीं है, घर जाके सोना. मैं यहाँ ऑफलाइन आए हुए बच्चों को कह रहा हूँ. लेट एच बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट. ये कमाल की चीज़ें हैं जो आपको बहुत बलशाली बना देंगी. तो बलशाली बन के क्या पहलवानी करनी है, ऐसे ही कुछ समझो. हाँ जी, स्टेटमेंट लिख लिया. yes, देखो भाई, मैं थोड़ा इसका बढ़ा चढ़ा के आपके सामने कुछ बताया जा रहा है, प्लीज़ अच्छे से ध्यान से सुनिए. आगे की लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है. अलजबरा छूटने नहीं वाला है, अब सारा मॉडर्न अलजबरा इन्हीं पे डिपेंडेंट है, ग्रुप थ्योरी के ऊपर. आगे जाके रिंग थ्योरी भी पढ़ना है आपको और लीनियर अलजबरा भी पढ़ना है. मतलब ये लगा लीजिए, इट्स लाइक जब आपने 12th क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ा था तो उसका इंटीग्रल पार्ट, या यूं कहिए कि नेसेसरी पार्ट, डिफरेंशिएशन तो है ही, इंटीग्रेशन भी है. वो मैथमेटिक्स में से अगर मैं इंटीग्रेशन हटा दूंगा तो इनकम्प्लीट रहेगा. पिलर की तरह खड़े हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, एम आई राइट? उसके ऊपर खड़ा है पूरा मैट्रिसेस का मैट्रिसेस का पोर्शन भी, और सो मैनी थिंग्स वर देयर, सो मैनी थिंग्स. बट ये इंटीग्रल और डिफरेंशियल तो पूछो ही मत, एक तरह से पिलर है पूरे मकान का. ऐसे ही यहाँ पे ग्रेजुएशन में आपके दो चीज़ें हैं, एक अलजबरा, दूसरा एनालिसिस. एनालिसिस सर ले ही रहे हैं, एक दूसरा अलजबरा, और यहाँ से बिगनिंग है. ये सब आपने 12th क्लास में नहीं पढ़ा है, तो जब फाउंडेशन ही गोलमोल होगी तो आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ मैं. आपको जिस तरह से कराया, मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा, बट स्टिल जिस तरह से कराया जा रहा है, अगर 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 आप रेगुलर क्लास में आते हुए रेगुलरली पढ़ पढ़ के रिवाइज करके आ रहे हैं, तो आपको इन फ्यूचर देखिएगा कि एक तरह से आपके अंदर ना फ्लावर सा, मतलब फूल सा खिल जाएगा अलजबरा को लेके. ये वो चीज़ है में काम करना पड़ता है. आओ जरा, मैं बात कर रहा था सब ग्रुप टेस्ट की. सब ग्रुप शो करने के लिए वी हैड 4 एग्जाम्स. अब ये कुछ और कह रहे हैं, ये कह रहे हैं बच्चों की थोड़ी हेल्प की जाए. पढ़िए, लेट एच बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी, देन एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, व्हाट इज दिस इफ एंड ओनली. एच इज अ सब ग्रुप, व्हाट इज दिस इफ एंड ओनली, इफ का मतलब यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ, इक्विवेलेंट दोनों बराबर है. सो दिस विल वर्क एज अनदर डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप. This is another definition of subgroup. ये करने के बाद subgroup की आपके पास तीन definition हो जाएंगी. पहला definition itself, a group वाला.
दूसरा आपके सामने टू स्टेप टेस्ट है और ये वन स्टेप टेस्ट है। आइए जरा किस तरह से बच्चों को ये बच्चों के लिए बेनिफिशियल है वो बात करते हैं। एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी फेनोमेनोन। भाई ये तो दो ही चीजों में काम चला दिया उन्होंने, क्लोजर और इनवर्स। बहुत बढ़िया, कह रहे ये भी मत करो, खाली ये करके दिखा दो। एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी फेनोमेनोन ए बी बिलोंग्स टू इम्प्लाई। देखिए दिस इज नॉट ए बी होल इनवर्स, यू नो व्हाट इज ए बी होल इनवर्स? ए हाँ जी, बी इनवर्स, ए इनवर्स। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, जो बच्चे रेगुलर क्लास में आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो बेटा जी क्या मैंने आपको ये नहीं बताया था? मान लीजिए यहाँ स्टार लेके बैठ गया, देखो याद करो कुछ चीजें इशारों इशारों में बोली जाती हैं। याद तो आ ही जाएगा। यस सर। क्या बताया था? ये तो बढ़ता ही जा रहा है, तो उसको कम करने के लिए, अच्छा दिखने के लिए इसको लिख दो ए बी। इसको क्या लिखोगे? ए बी सी डी। तो प्लीज बी वेरी वेरी क्लियर, इफ यू आर राइटिंग ए बी, यू आर नॉट राइटिंग ए बी, यू आर राइटिंग ए स्टार बी। इशारों इशारों में, इशारों इशारों में आइए इशारे कीजिए। क्या लिखा है भैया? दिस इज नॉट ए बी, दिस इज ए स्टार बी, दिस इज नॉट ए बी इनवर्स, दिस इज ए स्टार बी इनवर्स। नेक्स्ट, सभी महान आत्माएं इधर सामने आ जाए, ऑल ऑफ यू। जबकि आपने देख लिया कि ये ए स्टार और ये भी स्टार है, तो जरा एडिटिव ग्रुप में और मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में अच्छे से बात कर लेते हैं। एडिटिव ग्रुप में आइए और मेरे को बताइए, एडिटिव ग्रुप में विद रिस्पेक्ट टू प्लस क्या होगा जी? क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू प्लस? ए प्लस बी। लेट मी राइट दैट हियर। विद रिस्पेक्ट टू प्लस ये एग्जाम बन जाएगा ए प्लस बी। और अगर बच्चे रेगुलरली क्लास में आ रहे हैं तो ये भी पता होगा एडिशन के केस में इनवर्स क्या होता है। ए भगवान, मैं सुसाइड ही कर लूंगा। हाँ जी, यहाँ ये प्लस के रिस्पेक्ट में देखिएगा जरा ध्यान से, प्लस में। तो दिस इज ए प्लस, प्लस में पूछ रहे हैं यार, ऐसे ऐसे जुल्म ना करो मेरे साथ। माइनस बी, तो क्या बन गया ये? तो ये आपके एग्जाम्स हैं, खाली वही जैसे हमेशा कहता हूँ नॉवल की तरह मत पढ़ गया, ये नॉवल की तरह मत कीजिए। हाँ जी, विद रिस्पेक्ट टू प्लस दिस विल बिकम, विद रिस्पेक्ट टू प्लस दिस थिंग विल बिकम ए माइनस बी बिलोंग्स टू एच। अब आपको याद कर, ये सब नहीं याद करना, अगर आपको ये और ये याद है तो आप अपने आप जनरलाइज कर लेंगे। लिख लीजिए, लेकिन कहीं कहाँ लिखोगे यार? नोटबुक में लिखोगे और कहाँ लिखना है? फटाफट से स्टेटमेंट याद कीजिए। ये क्लोजर और इनवर्स से काम चला रहा है, सब ग्रुप हो जाएगा। ये कह रहे हो कुछ भी मत करिए, बस ये प्रूव करके दिखा दीजिए आपका काम हो जाएगा। अब हम करेंगे काम, काम करेंगे या काम तमाम करेंगे, वेल टाइम विल टेल अस। Yes, क्या आप तैयार हैं? Yes. अब हम बोलेंगे वन स्टेप टेस्ट एंड टू स्टेप टेस्ट। यस, लिसन टू, बताना पड़ता है यार, बार बार बताना ही पड़ता है, बिगनिंग में तो बताना ही पड़ता है। एक आपके सामने ग्रुप है, उसके अंदर बैठा हुआ है, इसको इसको H मान लीजिए, इसको G मान लीजिए। और अगर ये ग्रुप सब ग्रुप का काम कर रहे हैं तो भाई क्या क्या करें कि आपको प्रूव हो जाए। एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, सबसे पहले डेफिनेशन। एच इज इटसेल्फ अ ग्रुप। अगर आप डेफिनेशन के थ्रू काम करना चाह रहे हैं या काम करने जा रहे हैं तो यू हैव टू प्रूव क्लोजर, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी, इनवर्स। काम उसमें टाइम लगेगा, आपको भी पता है। लेकिन अगर आपने मान लीजिए, यूज करना है टू स्टेप टेस्ट, तो भाई आप सिर्फ यहाँ क्लोजर और इनवर्स दिखाइए एंड इनवर्स। भैया क्लियर है आप सबको? Yes, मान लीजिए उसमें भी आपका, आप तो अंबानी से कम थोड़े ना है, आपके पास कहाँ टाइम होगा? वो भी मत शो करो, चलो ये शो कर दो। अगर ए बी एच में है तो ये याद किया है तुम लोगों ने, मतलब डांट खाने वाले काम करते सारे। यस स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट याद करिए पहले, ऐसे मत करिए। आपको अब तक समझ में नहीं आया पढ़ाया कैसे जाते हैं? हाँ, स्टेटमेंट याद करो फटाफट, मजाक लगा रखा तुम लोगों ने।
वन स्टेप टेस्ट में यू हैव टू परफॉर्म वन स्टेप, टू स्टेप टेस्ट में यू हैव टू परफॉर्म टू स्टेप्स. ओके सामने देखिए. Yes, what do you mean by 2z? Multiples of 2? By 2z mein kya hoga? Aap aise to likhenge. 2k where k belongs to z. Set of all even integers. So 2 into 0 that is 0. Plus minus 2 plus minus 4 and so on. Theek hai. Theek. Zara idhar aaiye. Pehla hi question. क्वेश्चन तो याद ही होगा आप लोगों को. हाँ जी क्वेश्चन याद है, मैंने बोला था समय आने पे कराएंगे, बस वो समय आ ही गए. आप तैयार हो जाओ. इवन इंटीजर्स वाले को कैपिटल ही बोल देते हैं, आप तो कुछ भी बोल सकते हैं. एच भी बोल, बिकॉज सब ग्रुप में एच वाला सिंबल अच्छा लगता है, एच ही ले लेते हैं. आइए जरा लेट कैपिटल एच इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स. लेट मी राइट लाइक दिस, टू जेड वेयर आई एम सॉरी बहुत सारा कुछ लिख दिया, क्या करें भाई. साथ दीजिए जी. अब इसको सब ग्रुप शो करने जा रहे हैं, वन स्टेप टेस्ट से करेंगे या टू स्टेप टेस्ट, देखो तो सही कौन से वाला बेटर है सर, वन स्टेप या टू स्टेप. कुछ करिए तो सही है पहले. वी नाउ शो दैट H is a subgroup of Z. And the step, till A2 step test se karte hain. Step number 1, closure. Step number 2, tumhe aage aage chadke bolna chahiye, main chup karke baithe ho. Inverse. Yes, closure. ऐसे नहीं. वो तो खाली ऑब्जर्वेशन था कि ए को टू ले लिया, बी को फोर ले लिया, बट इसमें खाली टू फोर ही थोड़े ना होगा, वो तो ऑब्जर्वेशन करके दिखाया जा रहा था. अब यहाँ जनरल एलिमेंट लेना पड़ेगा बेटा. देखो यहाँ ना, इधर 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 देखिए, कोई बात नहीं. ए बी बिलोंग्स टू एच, दिस इम्प्लाइज ए इज ऑफ द फॉर्म 2k1, है ना. इसके अंदर ए लिया आपने, बी लिया आपने, तो इवन नंबर तो ऐसे ही होता है. 2k1 2k2 A is equal to 2k1. साथ रहिए, सब करा दिया जाएगा. And B is equal to 2k2. For some k1 and k2 integers. हाँ जी, this implies, please wait for a second. हमारे सबके दिमाग में बंद छपा हुआ है कि closure means A dot B. अरे भैया plus. This implies what is A plus B? This is 2 times k1, 2 times k2, which will become 2 times k1 plus k2. हाँ जी महानुभावों, समझ में आ गया, सबको क्लियर हो गया भाई. ये जरा ये देख लेना क्या लिखना है, कुछ का कुछ छाप के आ जाओगे वहां पे, बोलोगे हमने सर कॉमा फुल स्टॉप नहीं लगाया था, मार्क्स कट गए. ये कॉमन स्टेटमेंट है बच्चों का, लिखते कुछ है और ब्लेम करते टीचर को. ये देखिए, ये एलिमेंट इक्वल है, फिर इक्वल है, लेकिन एज एन एलिमेंट अब ये सेट में बिलोंग कर रहा है और ये सेट इसके बराबर है. जरा केयरफुल रहिएगा, इनवर्स पे आइए. अगेन इफ एक्स बिलोंग्स टू एच, दैट इज एक्स शुड बी ऑफ द टाइप 2k. हाँ जी, दैट इज व्हाट इज एक्स इनवर्स, माइनस एक्स, माइनस 2k. क्या आप इसको 2 इंटू लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लो भाई, देयरफॉर एच इज अ सब ग्रुप. क्लियर हो गया सबको? अभी जरा रुक जाओ. yes. आप सबको क्लियर, कॉपी नहीं करना है अभी, कॉपी करने के लिए टाइम मिलेगा आपको. इज इट क्लियर? प्लीज टेल मी. यस सर.
ये ऐसे करना है। अच्छा सर, ये तो टू स्टेप टेस्ट से कर दिया आपने, क्या ये वन स्टेप टेस्ट? ऑफ कोर्स हो जाता, क्यों नहीं होता, वो भी करा के दिखाएंगे, लेकिन अभी एकदम से आप प्रोफेशनल थोड़े ना बन जाएंगे। PhD करने में 20 साल का टाइम लगता है भाई, अभी तो नया नया कदम रखा है। एक चीज़ और ऑब्जर्व कीजिए, मतलब वन स्टेप टेस्ट बेटर है या टू स्टेप टेस्ट बेटर? कुछ नहीं, समटाइम्स वन स्टेप टेस्ट, समटाइम्स टू स्टेप टेस्ट। हाँ जी प्लीज़ ऑब्जर्व, ऑल ऑफ यू प्लीज़ ऑब्जर्व, वन स्टेप ये टू स्टेप टेस्ट, वन स्टेप टेस्ट यूज़ कर सकते हैं बेटा। ये यूज़ करने से पहले आपको ये वाला काम करना पड़ेगा। लेट एच बी एनी, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, नॉन एम्प्टी, व्हाट इज दिस? नॉन तो ये दीज टेस्ट कैन बी अप्लाइड टू नॉन एम्प्टी सबसेट्स ओनली। सो जब कभी भी आप वन स्टेप टेस्ट या टू स्टेप टेस्ट का प्रयोग कर रहे हैं या उसको यूज करके कुछ प्रूव करना चाह रहे हैं, तो नॉन एम्प्टीनेस यू शुड टेक टू योर। यहाँ तो दिख ही रहा था नॉन एम्प्टी है भाई, 2 है इसमें, 4 है इसमें, बट एक मेंशन कर दिया करो ना, क्योंकि बच्चे को तो प्रॉपरली लिखना चाहिए। तो क्या मेंशन करेंगे? नॉन एम्प्टीनेस डू योर सेल्फ, ताकि एग्जामिनर भी खुश हो जाए। एक नोट लिख लिया, लिख लिया, लिख दिया करिए यहाँ क्लियरली, जीरो बिलोंग्स जो भी है आइडेंटिटी एलिमेंट, दिस इम्प्लाइज एच इज नॉन एम्प्टी। बेटा जी ये नोट समझ में आ गया? हर बार ऐसे ही लिखा जाए, एंड में आइडेंटिटी एलिमेंट बता दिया जाएगा, नहीं भी बताएंगे तो ज़्यादा मार्क्स नहीं कटेंगे। लिख लो, वार्ड वाला नहीं है ना, वो तो अप्रूव करा दिया आपको, वार्ड वाला तो सब ग्रुप ही नहीं होता, सब ग्रुप में करना है ना। हाँ जी यस, यू वांट टू ये एंड द लास्ट स्टेटमेंट क्लियरली जीरो बिलोंग्स टू एच, और नहीं उसके बाद एच इज नॉट इक्वल टू वाला एम्प्टी, एम्प्टी 5 5 5 ओके ओके एम्प्टी सेट। थैंक यू, लिखो भाई लिखो। यस ए को यूज करने की जांच में लिख दे कि ए बिलो ए एंड बी ब्लॉक्स इवन नंबर्स, क्लियरली एडिशन ऑफ इवन नंबर इज आल्सो इवन नंबर, वो चल जाएगा, बट दिस इज गुड, वो भी चल जाएगा। और जब यहाँ पे पिक्चर क्लियर होगी कैसा इंटीजर है तो लिख ही दीजिए, लिखिए लिखिए, फटाफट करिए भाई, अभी बहुत सारा काम करना है आप लोगों को। ने लिख लिया, कोई बात नहीं, घर बाद में लिख लेना। ये ऑब्जर्व करना, समझना ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ जी, ये जो आपने प्रूव किया है किस किस टेस्ट को यूज करके किया, वन स्टेप या टू स्टेप? अभी अभी कुछ क्लासेस, यही 2 3 क्लासेस तक यही चलता रहेगा, वन स्टेप टू स्टेप, वन स्टेप टू स्टेप। प्लीज़ अच्छे से करके आइएगा, आप अपने साथ अन्याय करेंगे अगर साथ साथ नहीं पढ़ेंगे तो। इतना सही अच्छा चल रहा है आपका अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी स्पेशली। नेक्स्ट थिंग, जी GLSR और SLS, SLNR, GL एंड SL आप लोगों को सेट नहीं भूलोगे यार, कैसे भूल जाओगे, मजाक है क्या कोई? जी इसमें होने के लिए डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या था? नॉट इक्वल टू 0 और यहां इक्वल टू 1, तो वेल GLSL का पार्ट है या SLGL का पार्ट है? अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 1 हुआ तो वो 1 1 में भी काउंट होगा और वो 1 नॉन जीरो में भी काउंट होगा, तो यानी SL इज अ पार्ट ऑफ GL, am I right? yes sir। अब ऑब्जर्व करने का टाइम आया, ना सिर्फ कंटेंट है बल्कि सब ग्रुप है भैया, सब ग्रुप। ये कैसे सर? ये ऐसे जादू से, शो शो दैट SLNR इज अ सब ग्रुप ऑफ GLNR। हां था जी प्लीज,
उसको एस से डिनोट कर लीजिएगा, इसको जी से, और किसी के किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, आपको तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, समझ गए ना एस और जी के। अच्छा चलो लिख देता हूँ, नाराज मत हो। लेट एस इज इक्वल टू एस एल एंड जी इज इक्वल टू जी एल। स्टेप वन, स्टेप टू, व्हाटएवर डाल दीजिए, क्लोजर। स्टेप टू नहीं बताओगे, इनवर्स। आओ पहले क्लोजर देखिए, इसमें एस एल के अंदर दो मेंबर्स हैं तो क्या उनका क्लोजर भी है? वो तो आना ही है, लेकिन कैसे? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस, एस का मतलब एस एल, तो दिस इम्प्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ ए इज वन, डिटरमिनेंट ऑफ बी इज वन, विच इम्प्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड विद डिटरमिनेंट ऑफ बी इज वन, बट डिटरमिनेंट ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट। हाँ जी, दिस इम्प्लाइज किसका डिटरमिनेंट वन है? जिसका डिटरमिनेंट वन है वो तो एस एल में बिलोंग करेगा। बेटा जी बात समझ में आ गई? क्लोजर हो गया बात बात में, इनवर्स पे ही। अगर ए आपका एस में, एस एल में, दिस इम्प्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ ए इज वन, दिस इम्प्लाइज व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, आपको पहले भी बताया गया था, डिटरमिनेंट ऑफ, सॉरी देखिए, ए इनवर्स आइडेंटिटी के बराबर होता है, इसका डिटरमिनेंट उसका डिटरमिनेंट होगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, वो हमेशा वन है, तो व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, वन बाय डिटरमिनेंट, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, अगर इन्वर्टेबल है तो, दिस इज वन बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, विच इज़ वन बाई वन। ओहो, वन से वन कैंसिल हो गया। हाँ यही करना, कैंसिल कर देना वो, तो फिर भी क्या आएगा, वन ही तो आएगा। सो दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स इज अ मेंबर ऑफ एस, या एस का कह लीजिए। हाँ जी वन लास्ट थिंग, एस थोड़ा बड़ा बनाइएगा बिकॉज वो सेट की तरह काम कर रहा है। यस, जैसे पहले पहले लिखवाया गया था, देयरफॉर एस एल इज अ सब ग्रुप ऑफ जी एल। हाँ जी कुछ नोट करना है, क्या नोट करना है? प्लीज नोट दैट, जैसे पहले बताया था, आइडेंटिटी एलिमेंट यू शुड ऑलवेज मेंशन, प्लीज नोट दैट, यहाँ जीरो यहाँ जीरो, एंड दिस इज अ मेंबर ऑफ एसएल, एम आई राइट? हेलो, ये क्या लिखा है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? दैट इज एसएल इज एम्प्टी या नॉन एम्प्टी? चलाइए पेन, चलाइए। हाँ माइनस कहाँ से हो गया, यहाँ मल्टीप्ले एस एल जी एल में डॉट होता है। हाँ जी मेरे को बता दीजिएगा जब कंप्लीट हो जाए, अगर आप कॉपी करने के मूड में हैं तो, नहीं तो आगे चलते हैं। चले आगे चले, अच्छा कॉपी नहीं करना? क्या बात है भाई, वाह। अब रुको, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, वैसे भी आठ बज गए, आठ बजे के बाद तो कुछ बच्चों को नज़र भी नहीं आता है, मजाक कर रहे हैं, प्लीज़ जोक को जोक की तरह ले। यस दिस इज़ इम्पोर्टेंट, आपके एग्ज़ाम में आएगा, मैंने बोल दिया आपके एग्ज़ाम में आएगा, मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में नहीं आया फिर क्या होगा? फिर फीस वापस? देखिए दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ये आप सब लोग करो, करके दिखाओ, लास्ट क्वेश्चन, आप ही को कह रहे हैं लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई, एटलीस्ट यू शुड ट्राई, वन स्टेप से करें, टू स्टेप से करें, राइट, जैसे भी करो भैया कुछ करो, इतना सब पढ़ा दिया आप लोगों को, रफ में भी आप स्केच ले सकते हैं, और मैं फिर वही कहूँगा, समंदर में कूदने से तो कुछ होगा नहीं, डूबोगे, पहले समझ लो कि एच क्या है, एच के अंदर क्या बैठा हुआ है, लेट मी टेल यू एच के अंदर क्या बैठा हुआ है, क्या बैठा हुआ है भैया एच के अंदर, सामने देखिए, नहीं ऐसे नहीं है, एवरीवन
एच के अंदर अगर एक्स, भैया समझना पड़ेगा, एच इज कलेक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो अगर एक्स जी के पास है तो उसका स्क्वायर एच के पास, अगर पी जी के पास है तो उसका स्क्वायर एच के पास, अगर वाई जी के पास है तो उसका स्क्वायर, हाँ जी एच के अंदर क्या बैठा हुआ है, स्क्वायर ऑफ एवरी एलिमेंट, तो व्हाट इज एच, कलेक्शन ऑफ ऑल द स्क्वायर्स, ये है स्टैंडर्ड क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ ऑल द स्क्वायर्स, एच इज कलेक्शन ऑफ, क्या चीज का कलेक्शन है, ये इसको सब ग्रुप शो करना है, समझ में आया, तो एच के अंदर अगर कोई आप एलिमेंट ले रहे हैं, जैसे आपने कह दिया, हाँ जी आप सभी लोग प्लीज आइए, ये बताइए इसका क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय ए बिलोंग्स टू एच, ए शुड बी स्क्वायर ऑफ समथिंग, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, हाँ तो बोल दो यार कम से कम, ऑनलाइन वाले तो लगते गायब ही हो गए, अभी मैं कह रहा था कि 8 बजे के बाद कुछ नजर नहीं आता, लगता है इनको सुनाई भी नहीं देता, ऐसे ही है क्या, अरे अरे सुनाई दे रहा है, तो बोलना चाहिए ना आपको, तो ए अगर एच में है तो ए किसी ना किसी चीज का स्क्वायर है, दैट कैन बी पी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो अब जाके आप ट्राई कीजिए, ट्राई टू शो क्लोजर हियर, ट्राई टू शो इनवर्स हियर, प्लीज मैं होमवर्क नहीं दूंगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं करा दूं सब कुछ मैं ही करा देता हूँ, आप क्या करोगे, आ जाओ देखो एवरी वन, भाई होना तो ये चाहिए कि कोई नया क्वेश्चन अगर आ रहा है तो आपको पहले खुद ट्राई करना चाहिए, इट्स लाइक जैसे 12th क्लास तक होता था, टीचर आपको कुछ क्वेश्चन बताते थे, फिर उसी पे बेस सिमिलर क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करने होते थे, सेम थिंग, इतने सारे सब ग्रुप के क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट तो आपने कर ही लिए आज, तो ज़रा इसका क्लोजर देखिए, सॉल्यूशन, पहला स्टेप क्लोजर, दूसरा स्टेप इनवर्स, क्लोजर देखेंगे आप सभी लोग, भैया अलग सिंबल यूज किया जा रहा है, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, पी एच में है क्यू एच में, ऐसा कैसे हो सकता है सर, अरे ऐसा ऐसे हो सकता है कि पी किसी स्क्वायर के बराबर हो, क्यू किसी स्क्वायर के बराबर हो, दैट मीन्स पी शुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर एंड क्यू शुड बी इक्वल टू बी स्क्वायर, इज दैट ओके, हाँ जी, व्हाट इज पी क्यू फॉर एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट, देखिए भाई कमाल होने वाला है, मैं कह रहा हूँ यहाँ कमाल होने वाला है, अगर आप ऑब्जर्व कर सकें तो, याद करो जरा ऐसा कब होता था, याद करिए जरा, मैं कुछ याद नहीं आ रहा तुम लोग, थैंक यू वेरी मच, कैन यू सी, मतलब फॉर एन ऑर्डिनरी, वो तो ऐसे ही लिखाएगा, कुछ होश नहीं है, ऐसे ही तो होता ही है हमेशा, कहाँ से होता है भाई, मॉडल अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, दिस हैपेंस ओनली इफ ए बी इक्वल टू बी ए या ग्रुप इज अबिलियन, क्या ग्रुप आपका अबिलियन है, उसका यूज यहाँ हो रहा है भैया, नहीं तो कभी भी नहीं लिख पाते, अच्छा जरा ठहरो, तो ये जो मेंबर है पी क्यू, ये क्या ये किसी चीज के स्क्वायर के बराबर हो गया, बीइंग अ स्क्वायर, इज दैट ओके, यस यस, हाँ जी, यहाँ से यहाँ बताओ कारण बताओ, ये आपको क्लास में कराया गया, ठीक है ये तो हो गया, अब करते हैं इनवर्स, तो इनवर्स कौन सा तुम्हारे घर के लिए छोड़ेंगे, आइए लेट एक्स बिलोंग्स टू एक्स एक्स एनीथिंग, लेट पी, पी तो ले लिया सर आपने, अच्छा चलो भाई कुछ हो, कुछ और ले लो, चलो एक्स ही ले लो, Amen. नहीं नहीं अभी इनवर्स चाहिए हमें सिंपली, जरा ध्यान दीजिए सर, ये ठीक है भाई, एच के अंदर होने के लिए किसी चीज का स्क्वायर होना चाहिए, अब जरा फटाफट से बताइए इसका इनवर्स क्या होगा, गलती तो करना मत, हाँ जी ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट में खूब तुम्हारे दिमाग में घुसा दिया, इसको क्या क्या लिख सकते हैं पावर इंटरचेंज करके, क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते, हाँ बोलिए, हाँ कुछ भी लिखा होता है क्या फर्क पड़ता है, तो x inverse is square of something, जो भी square है वो तो h में जाएगा ना, क्या लिखना है इसके बाद, being a elephant, तो हो गया बस, ये क्लोजर हो गया, वो आपका इनवर्स हो गया,
just wait for a second, one last say. Therefore, H is a subgroup of G. Please note. हाँ जी, मैंने वहाँ डायग्राम के थ्रू आपको कुछ समझाया था, आई होप आप समझ गए हैं कि भैया अगर x इसमें है तो x का स्क्वायर किसमें है, h में, अगर y g में है तो y का स्क्वायर किसमें है, h कंटेन स्क्वायर्स। हाँ जी, g में नेचुरली एक एलिमेंट आइडेंटिटी होता है नहीं होता, तो उसका स्क्वायर किसमें होगा पता नहीं सर, नहीं पता तो जाओ। प्लीज नोट दैट E belong कर रहा है G में, this implies E square belong कर रहा है H में, this implies E again belong कर रहा है H में, क्योंकि E का इस identity का square तो identity खुद है। H empty हुआ है, non-empty हुआ? Non-empty। चलिए जी, thank you very much, आप आए, आपने मेरी बातें सुनी, लेकिन concept बहुत अच्छा कर लिया आप लोगों ने, thank you very much, bye bye। क्लास ओवर हो गई, नहीं आज का सिस्टम है, कुल अब जा सकते हैं।